नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो अब सामने आ चुका है। मसाज वाले वीडियो के बाद अब सत्येंद्र जैन का होटल जैसा खाना खाते हुए एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तिहाड़ जेल के सूत्रों के प्राप्त लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में उचित भोजन मिलता दिख रहा है। वो वीडियो में भरपूर खाना खाते दिख रहे हैं, जबकि उनके वकील ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को उचित भोजन नहीं मिल पा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सत्येंद्र जैन के लेटेस्ट वीडियो में वह उचित भोजन लेते दिख रहे हैं। जिस तरह से भोजन की पैकेजिंग की गई है, उसे लग रहा है कि ये भोजन होटल या बाहर का मंगाया हुआ है। और इस वीडियो में वो अलग अलग ड्रेस में है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें हर दिन ऐसा ही खाना मिल रहा है। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि जेल में सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ चुका है, जबकि उनके वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन का वजन 28 किलो घट चुका है। सत्येंद्र जैन का ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब उनके भोजन का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि उन्होंने तिहाड़ जेल में उचित खाना नहीं मिल पा रहा है और न ही उनका उचित मेडिकल चेकअप किया जाता है। जैन के वकील राहुल मेहरा ने आरोप लगाया कि ईडी कोर्ट के आदेश के बावजूद संवेदनशील सूचना को मीडिया में लीक कर रही है। बता दें कि इससे पहले सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह रेप केस के कैदी से मसाज कराते हुए दिख रहे थे, जिस पर विवाद हुआ। हालांकि मसाज वाले वीडियो का मनीष सिसोदिया ने बचाव किया था और कहा था कि जैन गिर गए थे और डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी, मगर तिहाड़ जेल के प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि जैन को मसाज और मालिश करने वाला शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि बच्ची से रेप का आरोपी है। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज़। धन्यवाद।